बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। फ्रेंड्स, आए बिस्मिल्लाह करते हैं कि वीडियो की तरफ चलते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं, किस चीज़ का सालन बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं नलियाँ। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास बीस की ये नलियाँ हैं, हड्डी गुड्डी भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका सालन बना रहे हैं। देखिए, साथ इसके बोटियाँ भी हैं और ये देखें नलियों का सालन। जैसे कहते हैं कि हम हड्डी का सालन बना रहे हैं, फ्रेंड्स ये हम वो सालन बना रहे हैं, ठीक है। ये हर घर में नहीं बनता होगा, बहुत कम लोगों के घर में बनता होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो फुल देखना, ये बहुत अच्छा सालन बनेगा। इसके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको ये सारे इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो इसलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है प्याज, तीन पाल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें अभी मैं ये प्याज, फ्रेंड्स ये देखें मेरे पास एक कप ऑयल का है, इसमें ऑयल कम डलेगा इसलिए कि हड्डियों में फिर से रोगन बहुत ज़्यादा निकलता है, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम बहुत कम डालेंगे। ये देखें मैंने प्याज इसमें डाल दिया ऑयल में, ऑयल मेरा गर्म हो चुका था, ये कुकिंग ऑयल है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे, ठीक है। वीडियो आप फुल देखें, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखें प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका जैसा हमें चाहिए, हमें बिल्कुल ब्राउन प्याज चाहिए था। तो अभी हम इसमें हड्डी शामिल करेंगे, हड्डी गुड्डी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास है 3 से 4 किलो, ठीक है। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं और मैं कम की रेसिपी भी आपको बता दूंगी कि आपने कम कितनी कितनी चीज़ें डालनी है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने इसको करीबन 4 से 5 मिनट तक भूनना है। इन सबसे मुश्किल काम फ्रेंड्स, इनको हड्डियों को हलाना है, ये बहुत मुश्किल से हिलती हैं, ये बहुत ही ये मुश्किल काम लग रहा है मुझे तो खुद, मेरा तो खुद बाजू चल गया थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इसको हलाने में ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें 4 से 5 मिनट तक भूनना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं और वीडियो फुल देखना और इसको फॉलो ज़रूर करना, ये बहुत अच्छा सालन बनेगा। और इसके क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला सारे बताती हूँ। इसको मैं अच्छे से पहले भून लूँ, आप और देखें, इसको फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, ये देखें इसने कलर अपना चेंज करना शुरू कर दिया है हड्डियों ने, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हलाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने फ्रेंड्स ये ली है तकरीबन 3 से 4 किलो, मेरे पास ये हड्डियाँ हैं और नली का ये जो हड्डियाँ हैं नली की, ये तकरीबन 3 से 4 किलो है। आप कम ले सकती हैं, मैं आपको कम रेसिपी की चीज़ें बता दूंगी, तो आप कम में फ्रेंड्स बना सकती हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको मैंने यानी कि टेस्ट करवाना होता है, इसलिए फिर मुझे चीज़ ज़्यादा ही बनानी पड़ती है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने तो ज़्यादा ही सालन लिया है। वैसे तो हमारी फैमिली बहुत छोटी है, लेकिन हमें अपनी फ्रेंड को देने के लिए मुझे थोड़ा सालन ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितनी कितनी चीज़ें डालनी हैं, वीडियो देखें फुल। देखें 2 से 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, अभी मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, ठीक है, तकरीबन दोनों का 1.5-1.5 चम्मच। ये देखें फ्रेंड्स, इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, देख सकते हैं, ये देखें ऑयल नीचे, ये देख सकते हैं आप, हड्डियाँ भुननी शुरू हो गई हैं। इसको हम जितना अच्छा भुनेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। देखें फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है हड्डियों का, आप देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले अब इसमें डाल ली हूँ नमक 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। फ्रेंड्स, ये मैंने नॉर्मल मैंने डाले हैं 4 चम्मच, अगर आप 2 किलो बनाएंगे तो आप डालेंगे इसमें 2 चम्मच नमक, ठीक है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ रेड मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, अगर आप 2 किलो बना रहे हैं तो आप डालेंगे 1.5 चम्मच, ठीक है। अभी मैं इसमें फ्रेंड्स डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी का, ठीक है, अगर आप 2 किलो बना रहे हैं तो हाफ चम्मच से कम हल्दी डालेंगे। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी
फ्रेंड्स ये देखें, अभी मैंने इसमें आधा किलो दही डाला है, ठीक है। अगर आप दो किलो बना रहे हैं तो आप एक पाव दही डालेंगे। हम जो मसाले डालेंगे साथ ही हम दही डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जो दही का पानी होगा, हड्डियों का पानी होगा, उसी में हम मसाले को भूनना है, क्योंकि हमने अलग से पानी इसमें नहीं डालना भूनते हुए। ये देखें मैंने आधा किलो इसमें दही ऐड किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल काली मिर्च डाल दी है एक चम्मच। तो आप अगर डालेंगे तो आपने हाफ चम्मच डालना है छोटी वाला, और नॉर्मल सी आपने ब्लैक मिर्च डालनी है, फुल चम्मच नहीं डालना दो किलो में। ये मैं चार किलो बना रही हूँ, ये मैंने चार किलो की रेसिपी में चीज़ें डाली हैं, लेकिन मैंने आपको दो किलो की रेसिपी की चीज़ें साफ साफ बता दी हैं कि आपने दो किलो में कितनी कितनी चीज़ें डालनी हैं, कि ताकि आपको आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो देखना कि आगे आगे हमने किस तरह मसाले डालने हैं, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स अभी तो हमने इसकी चार से पाँच मिनट और भुनाई करनी है, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखें मैंने पानी ऐड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब मैंने चार लीटर चार किलो हड्डियों में मैंने डाला है लीटर पानी, ठीक है। तो आपने दो किलो हड्डियों में डालना है तीन लीटर पानी, ठीक है। ये देखें मैंने पानी इसमें छः लीटर ऐड कर दिया है, और आप लोग डालेंगे दो किलो हड्डियों में तीन लीटर पानी। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी को मेरे फ्रेंड्स को समझ ना आए तो इसलिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स ये देखें अभी मैं इसमें और मसाले डालूँगी, तो अभी मैं इसको भी हल्की आंच पे छोड़ने लगी हूँ, ठीक है। देखें मेरे पास सारा मसाला मिक्स है। हमें चाहिए इसके तकरीबन तीन से चार चम्मच गरम मसाले के, ये सारा मिक्स होना चाहिए सारी चीज़ें। जायफल, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, ज़ीरे के तकरीबन मैंने इसमें डाले हैं दो चम्मच। तो फ्रेंड्स ये देखें इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स हैं गरम मसाले में, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इनको भूनने लगी हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखें अभी मैं इसको मैंने भूनना शुरू कर दिया, ये आप देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से हल्की आंच पे भूनेंगे। फ्रेंड्स इस सालन के ये फ़ायदे हैं कि जैसे किसी को मोरे की तकलीफ़ है, उसको भी डॉक्टर बताते हैं कि आप हड्डियों का सालन खाएं, जिसके जोड़ों में दर्द है वो भी हड्डियों का सालन खाए। तो फ्रेंड्स जिसके पट्ठों में मसला है वो भी हड्डियों का सालन खाए। पट्ठे जब कमज़ोर हो जाते हैं उनमें वो ताकत नहीं रहती, वो उनमें कम हो जाती है उनकी जो रोगन जैसे कहते हैं कि हड्डियों का, यानी कि ख़त्म हो गया है, हड्डियाँ खड़कनी शुरू हो गई हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये सारा रोगन होता है हड्डियों में, और ये मोरों को भी ये फ़ायदा देता है। हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनको भी, पट्ठे कमज़ोर हैं उनको भी। फ्रेंड्स इस सालन के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जो इस तरह के मरीज़ हैं वो तो माशाल्लाह बहुत खाते हैं ये वाला सालन, उनको बड़े फ़ायदे होते हैं। तो घर में हम नॉर्मल लोग भी खाएँ तो इसके हमें फ़ायदे ही हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट कोई नुकसान नहीं है। एक तो जायके में अच्छा बनता है और दूसरे इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें अभी ये हमारा मसाला अभी भून चुका है, तो ठीक है। अभी मैं इस अभी चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आनी शुरू हो गई है। हमने इसको अभी ग्राइंड करेंगे, आप चाहें तो आप कूट सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको फ्रेंड ग्राइंड करूंगी। तो फिर आप देखना कि इस मसाले को मैं कैसे डालती हूँ। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और फॉलो ज़रूर किया करें, बेल आइकन को दबाया करें, इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो फ्रेंड्स जितनी देर तक मेरा सालन तैयार होता है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन लोगों ने, जिन फ्रेंड ने मेरे ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया वो प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं, और जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ वो लाइक करें। फ्रेंड्स ये देखें मसाला भुन चुका है, अभी मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ, ठीक है। ये देखें तीन से चार घंटे हो चुके हैं और मेरा सालन बिल्कुल तैयार है, ये देख सकते हैं बिल्कुल गल चुका है। ये देखें ये आप देख सकते हैं, और पानी देखें इसमें बिल्कुल नॉर्मल है। हमने बहुत ज़्यादा अभी देखें मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अभी हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स हमने जो मसाला रखा था, ये देखें अभी मैं जो पहले मैंने मसाला डाला था, अब उसके बाद कुछ मैंने मसाला रख लिया था, वो मैंने एक से डेढ़ चम्मच ऐड कर दिया है। लेकिन आपने दो किलो में तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। ये देखें फ्रेंड्स इसके इस पर अब मैंने चूल्हा बंद किया तो ऑयल भी आना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं आप।
फ्रेंड्स ये देखें इस पर ऑयल आना शुरू हो गया, अभी मैं निकालती हूँ। फ्रेंड्स ये देखें मेरा सालन तैयार हो चुका है, ये बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, टेस्ट भी सालन तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं। ये देखें मैंने लेमन थोड़ा सा इसके ऊपर निचोड़ दिया है बोटियों के ऊपर, तो आप चाहें तो लेमन निचोड़ सकते हैं, चाहें तो मतलब ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स ये देखें मेरा सालन बिल्कुल तैयार है, ये देखें तरी आनी शुरू हो गई है ऊपर आप देख सकते हैं। ये देखें मैंने इसमें ऑयल बहुत कम डाला है, इसका खुद का ऑयल हड्डियों से निकला है, इसका रोगन जो होता है वो निकला है। तो फ्रेंड्स ये जो मोरों के मरीज़ हैं जिसको जो कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ हमें जोड़ों का मसला है, फ्रेंड्स उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स जो भी इस तरह के मरीज़ खाते हैं और नॉर्मल भी अगर हम लोग भी खाएँ, आप लोग भी खाएँ, कोई भी नॉर्मल खाए तो फ्रेंड्स इसका फ़ायदा ही है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। हर घर में ये नहीं बनता, कम करो फ्रेंड्स जिनको पता है कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं उन घरों में तो ये बहुत ज़्यादा बनता है। तो फ्रेंड्स आप इसको है ना मेरी वीडियो को ज़रूर फॉलो किया करें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएँ। अल्लाह ताला के हुक्म से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।